वेलकम टू द वेंचर्स क्लासरूम। और आज की वीडियो में दिखाएंगे कैसे बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड को बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले लेआउट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पेज साइज को A4 पर सिलेक्ट कीजिए, अगर पहले से है तो छोड़ दीजिए। मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हर एक साइड का वैल्यू जो होता है उसे 0 पे सेट कर लीजिए ताकि मार्जिन वैल्यू 0 पे आ जाए। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए और इग्नोर कर दीजिए ये वार्निंग मैसेज को। तो चलिए अब इंसर्ट करते हैं एक टेबल को जिसमें 5 रो और 2 कलम होंगे। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ इसे इस तरह से। अब ये वाला जो पॉइंट होता है टेबल का प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसमें राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक मार्क देने के बाद यहाँ पे मैं हाइट सेट करूँगा जो कि आइडियल हाइट होगा 5.1 सेंटीमीटर और कॉलम होगा 8.9 सेंटीमीटर। ये ग्लोबली अप्रूव्ड हाइट और वाइड है हर एक कार्ड के लिए। अब इसे मार्जिन को ठीक करूँगा थोड़ा सा ताकि ये बीच में आ जाए। अब ये वाले सेल में हम डिज़ाइन करेंगे ताकि बाकी सेल में ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंसर्ट कर लेते हैं एक शेप को। तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, शेप पे क्लिक कीजिए और एक रेक्टेंगल शेप ले लीजिए और यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद इस शेप का आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे, शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन, और इसके बाद दूसरा इंसर्ट में जाके दूसरा शेप लेंगे। मैं फिलहाल ये वाला शेप लेना जा रहा हूँ, उसके बाद उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा और इसको रोटेट कर लूँगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल से और इसका भी आउटलाइन को रिमूव कर लूँगा और इसका हाइट एडजस्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए और इसे ये येलो पॉइंट को प्रेस करके ड्रैग करूँगा ताकि वो और भी दाहिनी तरफ मुड़ जाए। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा इस तरह से। अब फिलहाल इसका मैं कलर सेट करने जा रहा हूँ, वो पीछे वाला जो स्क्वायर था उसको। अब शेप फिल में जाके मोर कलर पे जाइए और यहाँ से मैं RGB वैल्यू देने जा रहा हूँ इसका जो कि है 18, 31, 54। अब इसे ओके करेंगे तो इसका कलर सेट हो जाएगा। अब इसका कलर जो मैं देने जा रहा हूँ वो है रेड कलर। तो शेप फिल में जाइए और फिलहाल के लिए मैं ये रेड कलर दे रहा हूँ। अब मुझे चाहिए और एक ट्रायंगल शेप यहाँ के लिए। तो इंसर्ट शेप, उसके बाद ट्रायंगल, ये वाला ले लिया मैं यहाँ पे, इसको ड्रॉ कर लिया इस तरह से। अब इसका भी आउटलाइन कलर मैं रिमूव कर दूँगा फिलहाल के लिए और इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको हाइट भी एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसको ड्रैग करके ये वाइड गैप को एडजस्ट कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब इसका कलर मैं दूंगा ग्रुप शेप पर क्लिक करने के बाद, शेप फिल, उसके बाद यहाँ पे मैं डार्क रेड ये दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं शेडो अप्लाई करूँगा और इसके लिए एक शेडो अप्लाई करूँगा अलग से ताकि और भी अट्रैक्टिव लगे। तो रेड शेप पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे उससे फॉर्मेट शेप ओपन होगा साइड बार, क्लिक कर लिया। अब फील्ड में जाके यहाँ पे क्लिक करना है इफेक्ट पे, उसके बाद शेडो पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं शेडो सेट करूँगा इसका। तो सबसे पहले शेडो दूंगा ये लेफ्ट ऑफसेट वाला, ये दिख रहा होगा लेफ्ट में आ चुका है। अब यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी दूंगा 0%, साइज जो है उसमें 92% कर देता हूँ। ब्लर होगा 6 पॉइंट कर देता हूँ और एंगल को 200 पे और डिस्टेंस को 8 पॉइंट। अब ये सही लग रहा है। अब इसका भी वही करूँगा शेप में, ये इफेक्ट में जाके इसका जो है इनर शेडो लेंगे क्योंकि इनर शेडो देने से क्या होगा यहाँ पे और भी हाईलाइट हो जाएगा
हो जाएगा। अब इनर शेडो पे क्लिक करना है। अब इनर शेडो का वैल्यू होगा ट्रांसपेरेंसी अराउंड 37%, ब्लर होगा 8 पॉइंट, यहाँ पे मैं एंगल दूंगा अराउंड 315 डिग्री, और डिस्टेंस 5 पॉइंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे और भी ये हाईलाइट हो चुका है एरिया और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करना है, इस तरह से सेलेक्ट किया और राइट कर क्लिक करके ग्रुप में क्लिक करना है। तो बन चुका है ये हमारा शेप। अब फिलहाल हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करके ये टेक्स्ट बॉक्स, और हमें यहाँ पे ड्रैग करना है इस तरह से। यहाँ पे मैं फिलहाल तो नाम दूंगा, जैसे मैं दे रहा हूँ संजय सिंह। अब यहाँ से मैं दो टाइप का फॉन्ट इस नाम पे यूज़ करूँगा। पहले तो संजय पे मार्क करूँगा, हाईलाइट करूँगा इसे माउस से ड्रैग करने के बाद। अब इसका जो फॉन्ट होगा वो फिलहाल मैं दूंगा रियल, उसके बाद इसका हाइट दूंगा 14, ऐसा बोल्ड कर दूंगा इस तरह से। सॉरी एरियल नहीं आया अभी तक, इसे एरियल देना है, ये वाला लो आ गया। अब सिंह इसको मैं फॉन्ट दूंगा ये लाइट वाला बैन स्क्रिप्ट लाइट। अब इसका भी फॉन्ट हाइट 14 कर देता हूँ। बस ये बन चुका है हमारा नाम। लेकिन ये जो शेप है इसका कलर फिलहाल वाइट है, तो इसको भी रिमूव करना है। तो फॉर्मेट में क्लिक करें, उसके बाद शेप फिल को नो फिल करें, आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करें, और इसे प्रॉपरली प्लेस्ड करें यहाँ पे। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को हम कॉपी कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो दूसरा ले सकते हैं नया। यहाँ पे मैं डालूँगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हो आप, इंजीनियर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। अगर कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उसका भी डेजिग्नेशन होगा, प्रोफेशन होगा, वही डालना है आपको। अब यहाँ से मैं इसका अब यहाँ से इसका फॉन्ट दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा कैलिब्री बॉडी फॉन्ट, इसका दूंगा साइज 8, और इसे बोल्ड ही रहने देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब इसको एडजस्ट कर लेता है इस तरह से। ये तो हो गया। अब इंसर्ट में जाके एक लाइन शेप लूंगा ये वाला, और यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। सॉरी ये नहीं हुआ, इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करके दूसरे बार ले रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से लेना है। उसके बाद इसका जो थिकनेस है उसे थोड़ा बढ़ा देंगे, शेप आउटलाइन में क्लिक करने के बाद वाइट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से मैं 1 PT कर रहा हूँ 1 पॉइंट, और इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ आउटलाइन में क्लिक करने के बाद, ये रेड वाला क्लिक कर दे रहा हूँ। अब ये तो बन चुका है यहाँ ये वाला पार्ट। अब नीचे का इंफॉर्मेशन पार्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आइकन डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आइकन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये ऑनलाइन का जो माइक्रोसॉफ्ट का आइकन स्टोर है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो माइक्रोसॉफ्ट से वर्ड से इंटीग्रेटेड है। यहाँ से मैं सर्च करूँगा एक तो टेलीफोन, यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, या आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद लोकेशन के लिए यानी एड्रेस के लिए मैं मार्क ले लेता हूँ ये वाला। उसके बाद टेलीफोन दूसरा चाहिए फ़ोन नंबर के लिए, यानी ये वाला हमारा पर्सन के लिए हो जाएगा, ये ले लेता हूँ। और एक इनवॉलेट चाहिए ईमेल आईडी के लिए। अगर वेबसाइट देना है तो ग्लोब से भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं वेबसाइट नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिजनेस कार्ड में। सर्ट पे क्लिक करें तो ये चारों के चारों डाउनलोड हो चुके हैं इंटरनेट से।
अब हर एक राइट क्लिक करके इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवेबल फॉर्म में नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर ये मूव करने जाता हूँ तो ये मूव नहीं होगा जैसे कि ये हो रहा है, इसलिए हर एक को लेआउट चेंज करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट करके इस तरह से। तो ये तो बन चुका है, अब सबके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसका साइज जो है वो छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब इसका कलर फॉर्मेट में जाके वाइट कर देंगे। अब इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसे यहाँ पे बिठा देते हैं। अब हमें चूज करना है हमें कहाँ क्या देना है इन्फॉर्मेशन, उसी के हिसाब से हम आइकन सेट करेंगे। हमारे लास्ट में रहेंगे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को लास्ट में डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे रहेंगे फ़ोन नंबर और उसके आगे रहेंगे एड्रेस। ये तो हो चुका है। ओके, इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं फिलहाल और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखने से पहले फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लेते हैं, ताकि इसका वाइट जो बैकग्राउंड था वो मिट गया है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा, सपोज एड्रेस, एड्रेस के लिए मैं लिखूँगा कोई भी एड्रेस दे दीजिए आपका जो है। मैं यहाँ पे लूँगा न्यू टाउन ब्लॉक सी न्यू। दूसरी लाइन के लिए इसी को थोड़ा स्पेस दे देता हूँ हाइट को इंक्रीज करके। न्यू के बाद न्यू मार्केट दिल्ली, ये बन चुका है। अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम में जाके इसका जो लाइन गैप्स है, ये बीच में वाली गैप्स, इसको रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग में और रिमूव कर देंगे इसको गैप को। ये बन चुका है। अब इसका टेक्स्ट पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं चूज करूँगा एरियल एरियल, और इसका जो फॉन्ट है उसको मैं 8 कर देता हूँ। परफेक्ट। अब इसको मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आगे जाके बाकी टेक्स्ट भी जस्टिफाई रहे। अब इसको रिड्यूस कर देता हूँ और प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल को आप कीबोर्ड से होल्ड करके माउस से ड्रैग कीजिए तो कॉपी हो जाएगा, या फिर नॉर्मली कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर नया टेक्स्ट बॉक्स लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा फ़ोन नंबर S91, ये कंट्री कोड है। अब नंबर दूंगा यार एक नंबर, अब दूसरा नंबर भी देना है, ये तो हो गया दूसरा भी नंबर। अब तीसरा इसका भी अगर फिर से कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ मैं डालूँगा ईमेल आईडी संजय सिंह @email.com, जो कोई भी ईमेल हो पर्सन का वही ईमेल डालना है। अब इसका अलाइनमेंट को ठीक करना है, क्योंकि ये शेप में है इसलिए हमें मैनुअली इसको ठीक करना है इस तरह से। ये तो बन चुका है। अब यहाँ से अगर चाहे तो यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, वेबसाइट जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, और यहाँ पे मैं डालूँगा इसका QR कोड इस इंफॉर्मेशन का। तो इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिए, QR कोड कैसे बनाना है वो मैंने दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप वहाँ वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। तो पहले मैं इमेज में जाता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी QR कोड बना हुआ है, इसी में इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंसर्ट कर लीजिए। अब इसका भी लेआउट को चेंज कर लीजिए। अब इसका साइज मैं फिलहाल के लिए रिड्यूस कर देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए।
क्योंकि मुझे एक शेप लेना है रिक्टेंगल वाला, और यहाँ से ड्रॉ करना है इस तरह से। अब इसका आउटलाइन कलर को मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, और इसका जो कलर है शेप कलर यानी फिल कलर, वो मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें 15% डार्क हो वाइट कलर में। अब इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि पीछे चले जाए। अब इसी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, अब इसका एडजस्ट करना है साइज। ओके, ये तो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है लोगो, कंपनी का या आपका कोई भी बिजनेस है उसका जो भी लोगो हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस नहीं है, आप खुद इंजीनियर है या फिर डॉक्टर है, तो उसके हिसाब से जो लोगो बनता है वही दे सकते हैं। हर एक डॉक्टर एसोसिएशन का लोगो होता है, वो भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लोगो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्कल बना दे रहा हूँ इस तरह से, और इसको शेप फिल को मैं नो फिल कर देता हूँ, और आउटलाइन को फिलहाल रेड कर देता हूँ, और वेट को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से। अब इंसर्ट में जाके थोड़ा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और यहाँ से मैं ड्रैग करके बिठा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखना है लोगो, इसका हाइट को छोटा कर लेता हूँ, अब इसे बोल्ड बना देता हूँ। और ये जो पहले मैंने किया था उसी तरह से इसका भी बैकग्राउंड वाइट को हटाना है। फॉर्मेट में जाके नो शेप फिल और नो शेप आउटलाइन को करना है। ओके, यहाँ पे मैं बिठा दूंगा, उसके बाद होम में जाके फिर से इस लोगो के कलर को वाइट करूँगा इस तरह से। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करूँगा कंपनी के नेम के लिए। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का नाम होगा, या फिर कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम होगा, वही डालना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ BUS बिजनेस नेम। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है जो फॉन्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है मेट्रोपॉलिक ब्लैक, मेट्रोपोलिस ब्लैक। अब इसका हाइट जो है मैं कर देता हूँ 7, और बोल्ड वो परफेक्ट है, इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि एक लाइन में चले आए, और उसी को ठीक तरह से बिठाना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो चुका है। अब शेडो का काम करते हैं, ये लास्ट वाली जो शेप था बड़ा शेप, उसमें क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से इनर शेडो जो होता है, इनर शेडो में सेंटर वाला सिलेक्ट करें, और यहाँ से मुझे ट्रांसपेरेंसी देना है, ट्रांसपेरेंसी देंगे 75। उसके बाद ब्लर करेंगे इसको 15 पॉइंट, इसके एंगल को करेंगे 45, और डिस्टेंस 0 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्ड डिज़ाइन कंप्लीट। अगर दूसरा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। तो अब इसे हमको अपडेट करना है हर एक सेल के लिए, ताकि ऑटोमेटिकली चले आए बिना डिज़ाइन के। तो हम जाएंगे मेलिंग पे, और यहाँ से यहाँ पे एक अपडेट लेवल अपीयर होगा। अभी देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट लेवल चला आया है। अब इसको अपडेट लेवल पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली सेल को फिल कर देगा। देखिए कैसे ये अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे हमें 10 आईडी कार्ड मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा आईडी कार्ड, रेडी हो चुका है। अब इसी पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद होम पे जाइए, और यहाँ से इसका जो बॉर्डर है, जो पहले टेबल का बॉर्डर दिया था, उसे हटाना है। देखिए इसका बॉर्डर हट चुका है, और अभी ये प्रिंटिंग में बॉर्डर नहीं शो करेगा, और अब इसका गैप देंगे यहाँ से। देखिए ये बन चुका है हमारा 10 आईडी कार्ड। अब यहाँ से आप कंट्रोल पी कर कीजिए, आप पेज डाल के आप जितना चाहे कॉपी इसका बना सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।